माई यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं सिर्फ चटर पटर करने के लिए आती हूँ एंड आई एम नॉट एट ऑल वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब. आप देख सकते हो मेरे वीडियो में कुछ नहीं है भाई, बट मुद्दा ये नहीं है. मुद्दा ये है कि आई एम ट्राइंग टू बी रियली एक्टिव ऑन यूट्यूब एज वेल. लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. एंड बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट, पता नहीं, आई शुडंट से दैट कि बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाती हूँ, बट आई लाइक माई कॉन्टेंट, सो आई होप यू विल लाइक इट टू. तो अगर उधर जाके आपको मुझे फॉलो करना है तो सेम नाम है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एंगल सेट क्यों नहीं हो रहा है. एंड आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ बट आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा. इट्स लुकिंग वेरी वियर्ड. बट द पॉइंट इज मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है, तो इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट मी समथिंग, माई बर्थडे इज इन अक्टूबर. थैंक यू. बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, दैट इज अबाउट खुशी नहीं वाता, दैट मीन्स स्टोरीज ऑफ खुशी, क्योंकि मेरी लाइफ इज वेरी ड्रामेटिक एंड ऑन. आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल. आई वॉज लाइक कि एक ऐसा ही सीरीज बना देते वेर आई जस्ट कीप टॉकिंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, लाइक चटर पटर एंड ब्लैबरिंग एंड एवरीथिंग. तो उसके हिसाब से आई थॉट कि चलो ये भी बना लेते हैं. बट लास्ट स्टोरी वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई गॉट सो मेनी गुड रिस्पॉन्सेस कि भाई बहुत अच्छा है, बट इट वॉज इन गुजराती, सो आई रियलाइज कि चलो हिंदी में करते हैं. एंड दिस इज माई क्रिएटिव कॉर्नर इन माई हॉस्टल. सो आई थॉट कि इसके बारे में बताते हैं, बिकॉज लाइक आप फोटोज देख सकते हो इधर. सो एवरी फोटो हैज़ अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी और इट्स ऑलरेडी बिन 2 मिनट्स और मैंने कुछ स्टोरी बताना भी स्टार्ट नहीं किया. सो आई डोंट थिंक दैट लाइक देर शुड बी ओनली वन पार्ट ऑफ इट. देर आर गोइंग टू बी लाइक एटलीस्ट 2-3 parts ऑफ इट. बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ यार, जस्ट गिव मी अ मिनट. हे, सो आई एम बैक अगेन. लेकिन मैं कहाँ पे गई थी, आई विल टेल यू. तो ये जो वॉल है ना, इसका फोटो मैंने 2 दिन पहले डाला था कहीं पे, तो मतलब इंस्टाग्राम पे, और मेरा भाई मुझे टेक्स्ट करता है कि तूने अपने पापा के साथ फोटो डाली है, आई डोंट सी माय पिक्चर ऑन योर वॉल. तो उस दिन तो मैंने बोल दिया ऐसे ही, मतलब बोलने के लिए कि नहीं 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 मैंने रखा है फोटो, इट्स जस्ट नॉट विजिबल ऑन वॉल. तो वो मुझे बोलता है कि तेरे लिए मैंने ये किया, तेरा वैक्सीन का स्लॉट मैंने दिलवाया और तू अपने भाई को भूल गया है एम जाके और वो सब को ऐसे, मतलब फालतू में ही सेंटी झाड़ रहा था. तो उस दिन मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाने वाली हूँ, उसमें आई विल शो यू कि मेरा फोटो एंड एवरीथिंग. लेकिन फोटो नहीं था यार. मतलब देर आर लिमिटेड स्लॉट्स एंड आई हैव जस्ट सो मेनी पिक्चर्स बिकॉज आई लव सो मेनी ऑफ दिस. तो वो मैं डाल नहीं पाई और मैं लगा भी देती अगर उसको बताने के लिए कि इधर जगह भी है, इधर मैं लगा देती उधर बोलती, बट आई कुडंट फाइंड सेलो टेप. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट हियर इज दी शाउट आउट टू माई brothers. एक मिनट, आई एम लुकिंग फॉर द पिक्चर. यस, सी, सो आई हैव 3 brothers, मतलब मेरे बड़े भाई के 2 लड़के और मेरा एक छोटा भाई है, एंड आई एम दी ओनली गर्ल चाइल्ड इन माई फैमिली. तो यू कैन सी दैट आई एम वेरी वेरी पैम्पर्ड, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. दैट इज अनदर स्टोरी फॉर अनदर टाइम, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट इट इन 5 minutes. 5 minutes तो वैसे भी नहीं होगा, बट नहीं होगा कम्प्लीट. सो हेयर इज द शाउट आउट टू माई 3 brothers. ये मेरा सबसे बड़ा भाई है जिसका छोटू सा अभी बेबी है, क्यूट सा, ही इज सो क्यूट, यू कैन सी राइट नाउ. ही इज माई नेफ्यू, ही इज माई भाभी. तो यू कैन सी कि कितना क्यूट है. इधर मेरा सबसे छोटू भाई है, मतलब वो दिखेगा नहीं अभी. एंड हियर इज माई ब्रदर, वो मुझे टॉन्ट मारता रहता है, यही है. सो ही, हियर यू आर एंड यू आर अमेजिंग, बट आई एम मोर अमेजिंग. नो माइंड. तो ये हो गया उसका शाउट आउट. नाउ आई टेल स्टोरीज अबाउट द डिफरेंट पिक्चर्स दैट इज ऑन माई वॉल एंड आई हैव सो मेनी स्टोरीज. सो आई विल I will try to make 2-3 parts of it. I'm not sure. Okay. So I'll start with this one cute little picture that there is on my wall. So main jab choti thi na, I used to be really cute. I'm still cute, but I used to be really, really cute. Okay. So meri mummy hai na, usko wo tha shock ekdam se ki meri bachchi ki studio. Us time when I was born in 97. So I don't know, or middle class family. So like getting into a studio and getting your picture clicked used to be a really big thing. तो ऐसे ही, मतलब मेरा ऐसा एक क्यूट छोटू सा उधर सा फोटो है, एज यू कैन सी. फिर उधर यू कैन सी पीस, दैट इज नॉट अ लोगो, दैट इज नॉट द लोगो ऑफ मर्सिडीज, प्लीज डोंट, मतलब आई विल किल यू, प्लीज डोंट से दैट. तो दैट इज लोगो ऑफ पीस,
मतलब ये भी होता है एंड इट्स इट इज शोन बाय वाइट बर्ड एज वेल. बट हाँ, यू कैन सी कि दैट इज पीस का साइन, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन पीस एंड मेंटल पीस फॉर दैट मैटर. तो जिंदगी में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, शांति, वो नहीं है. तो दैट इज वाई आई प्रिफर टू कीप इट एवरीवेयर सो दैट आई कैन लुक एट इट एंड से कि दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ टू हैव मेंटल पीस. तो इसलिए दैट इज एवरीवेयर, दैट इज माई व्हाट्सएप बीपी एज वेल एंड समटाइम्स आई पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया. मतलब आई हैव नॉट रियली बीन एक्सप्लिसिट अबाउट दिस, बट या दैट्स वॉट इट्स अबाउट. फिर इधर जा रहे हो तो यू कैन सी दिस येल्लो पिक्चर, नहीं दैट इज अ ब्लू पिक्चर बट येल्लो बलून, सॉरी. तो दैट पिक्चर सिग्निफाइज, यू कैन सी हैप्पीनेस फाउंडेशन एंड बैकग्राउंड. सो इन enduring in enduring nahi hota during 2019 I was going through a phase about something related to mental health. That is a separate story, I'll make a vlog on it too. So uske baad I realized that it is very important to talk about mental health and everything. So uske baad I started this initiative. It's not something big or something, I do it on my personal level jitna ho sakta utna. So it talks about mental health awareness and I share my story and people, you know, who are with me talk about that a lot. So अच्छा लगता है, like you are trying something to, you know, make people aware about how important it is. तो ये मेरा event था, that was the only event that I could organize. फिर COVID और वो सब कुछ हो गया, I was preparing for CAT, तो मतलब काफी load था. तो ये CAT का preparation मैंने दूसरी बार start किया, उसके पहले की story है ये. And उस दिन I was really happy, I was wearing a black dress and I was looking very pretty. तो ये बहुत ही अच्छा photo है. तो इट शोज दैट कि लाइक हाउ यू हैव बिन थ्रू अ डिफिकल्ट जर्नी एंड यू नो यू स्टिल ट्राई टू स्टैंड इन द क्राउड एंड यू ट्राई टू यू नो हेल्प अदर पीपल एज वेल. तो इट वॉज अ रियली इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी. तो उस दिन का फोटो है एंड ये वाला सॉरी उस दिन का फोटो है एंड इट जस्ट मेक्स मी फील सो गुड कि भाई इतना कुछ भी हुआ फिर भी फाइट मारे. एज इफ आई एम हैप्पी, like I'm really happy. I'm not saying that I'm not happy, I'm saying ki wo jo hua uske bare mein I'm not really happy, but I'm happy that I did it. Okay, so that signifies ki jitne bhi ho rahe hai na aapke life mein, jo bhi ho raha hai, if you are fighting it hard and if you are not giving up, to ye bahut bahut achhi baat hai. So this is what it signifies, never giving up. So ये सब का एक एक अच्छा अच्छा significance है. इसका ये significance है, this photo का तो ये significance है कि कुछ भी हो तुम्हारे लाइफ में, यू शुड नेवर फॉरगेट, यू शुड नेवर लेट दी चाइल्ड इन यू डाई. ओके, मतलब है, मतलब दुनिया ऐसी है तो दैट इट मेक्स यू, वो मेक्स यू यू नो एन अडल्ट, और तुम्हें यू हैव टू एक्ट इन सर्टेन वे एंड यू आर सपोज टू बिहेव इन अ वे. बट वेन लाइक वेन एवर यू नो यू फील द टाइम एंड द राइट एनवायरमेंट, यू शुड यू नो शुड let the child in you, you know, flow. I don't know whether I'm using the correct word, but I hope bhavna samajh rahe ho na meri. Okay, to ye sab ka significance ho gaya. Abhi ye photo, okay, ye photo, yes. So main jab choti thi na, main choti matlab main abhi bhi I really like and I enjoy art and everything, but main choti thi na to maine mere bahut zyada wo kiya tha sab kuch, classes and drawing and sketches. I'm not very good at it, matlab I know certain people who are very good at it. मैं ठीक ठाक हूँ, कर लेती हूँ स्केच वेच एंड अच्छा लगता है मुझे. तो लाइक इट सिग्निफाइज, दिस पिक्चर सिग्निफाइज कि तुम्हारी जो भी हॉबीज और पैशन है, you should not you know leave it for something that is very materialistic for that matter. Okay, so this picture signifies ki jitni bhi mere shauk hai, jitni bhi tumhari hobbies ya passion hai, this video is also one of those part ki I just you know come to screen and blah blah, but that is not the point again. So ye photo show karta hai ki matlab you know keep working hard, but at the same time tumhara hobbies aur wo sab kuch hai wo bhi follow karo, but it is equally important to let those things grow too. तो this video is not at all scripted. तो मैं इधर उधर चली जाऊंगी तो मुझे बता देना. कैसे बताओगे वैसे, this is recorded but never mind. Okay, so ये photo है, ये वाला cute सा photo, एक मिनट, हाँ ये वाला photo है. इसके बारे में तो कुछ अलग ही story है, but ये वाला you can see my दादा दादी in the picture. I hope you can clearly see that, otherwise I'll attach a screenshot of that in here.
ओके तो हाँ फर्स्ट फोटो था जिसमें मैं ऐसे कर रही हूँ, दैट इज दिस मंकी, आप लोगों ने व्हाट्सएप में वो मंकी वाला आता है ना, तो आई वॉज जस्ट आई डोंट नो व्हाई आई वॉज डूइंग दैट बट आई रियली लव दैट पिक्चर बिकॉज दैट वॉज क्लिक्ड बाय माई मॉम. और उसमें जो मैंने वॉच पहनी है दैट वॉज माई रक्षाबंधन गिफ्ट. ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, इफ यू आर सीइंग दिस, रक्षाबंधन गिफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑन अ सेपरेट नोट, ये फोटो है जो मेरी मम्मी ने खींचा था, बहुत ही क्यूट फोटो है. सो आई रियली लव इट, आई लव माई मॉम. तो वही है कि मुझे बहुत फोटो अच्छा लगा था, आई वॉज लुकिंग क्यूट, मतलब goes without saying. And फिर वो वॉच था एंड आई रियली लव दैट वॉच. I'm a very big fan of watches and everything. Okay. तो मुझे अच्छी लगती है फैंसी वॉच और वो सब कुछ पहनना. तो लाइक ऐसे ही है कि हाउ मच दे लव मी एंड मतलब आई लव वॉचेस और मतलब उससे ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है इस फोटो का. उसके बाद आई शोड यू पिक्चर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो मेरे दादा दादी दे आर सो क्यूट, दे आर लाइक रियली क्यूट. माई ग्रैंड पा पास्ट अवे लास्ट टू लास्ट ईयर बट माई ग्रैंड मदर इज स्टिल एंड शी इज द क्यूटेस्ट एंड मोस्ट अडोरेबल मेम्बर ऑफ माई फैमिली. एंड अभी भी उनका बर्थडे गया था तो वी सेलिब्रेटेड काफ़ी अच्छे से एंड एवरीथिंग एंड शी इज रियली स्वीट पर्सन. सो मतलब शी हैज दिस पिक्चर सिग्निफाइज दैट दीज पीपल हैव बिन थ्रू अलॉट. मतलब वो लोग उस टाइम से बात कर रहे हैं जब तक वी यूज्ड टू लिव इन अ वन रूम लाइक 6 to 7 मेंबर्स. और माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू अर्न ओनली मे बी 30 rupees अ मंथ. और उसके बाद भी इतना सब कुछ हुआ. वी आर टच वुड, वी आर हैविंग अ गुड लाइफ राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड एवरीथिंग. बट दिस शोज कि इतना सब कुछ हुआ ना फिर भी लाइक दे हैव बीन ऑलवेज काइंड टू पीपल अराउंड देम. वो मतलब मेरे दादा दादी मतलब हमेशा ये स्टोरीज बताते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज. मतलब ओ हो मुझे लगता है ये मेरी चप्पड़ चप्पड़ मेरी दादी से है, शी टॉक्स अ लॉट. ओके तो उधर से ही ये सब कुछ है कि मतलब वो स्टोरीज बताते कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ. हमारे पास पैसे नहीं थे बट वी ऑलवेज यूज टू हेल्प अदर पीपल. व्हेन इट कम्स टू फैमिली दीज वर द पीपल जो सबसे पहले आगे आते थे कि नहीं हम हेल्प करेंगे एंड एवरीथिंग. तो दे हैव ऑलवेज टॉट अस कि कुछ भी हो अपने फैमिली का साथ मत छोड़ो, कुछ भी हो यू शुड बी काइंड टू यू नो पीपल अराउंड यू. मतलब ठीक है इफ़ यू वांट इफ अ पॉइंट कम देन अब अदर पीपल जहाँ पे तुम्हें काइंडनेस नहीं दिखानी है यू डोंट बी रूड, यू जस्ट लीव दैट प्लेस और लीव दैट पर्सन. बट यू डोंट एवर गिव अप ऑन योर वैल्यूज फॉर यू नो समवन एल्सेस बिहेवियर. तो दिस वॉज द मेजर लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो इसलिए आई जस्ट कीप दैट एंड ऑल्सो दे आर वेरी वेरी लवली पीपल. तो उसके वजह से आई ऑलवेज हैव दिस पिक्चर जो ये दिखाता है कि कुछ भी हो यू शुड बी यू नो रियली काइंड टू पीपल अराउंड यू. तो आई गेस ओ माई गॉड मैंने सिर्फ 5 फोटोज दिखाया एंड इट्स ऑलरेडी बिन 10 minutes. सो आई थिंक आई हैव टू मेक 3-4 पार्ट्स ऑफ इट, आई डोंट नो. But I'll keep going and I'll show maybe 2-3 pictures and then I'll make second part, right? Okay, great. So yeah, yes, this is a very very good picture of me and my mom here. Okay, मेरा हाथ भी छोटा है और मेरी हाइट भी छोटी है. बट दिस इज अ वेरी क्यूट पिक्चर ऑफ मी एंड माई मॉम राइट हियर. और ये फोटो है मेरे 11th स्टैंडर्ड की. सो आई यूज टू बी अ रियल रियल ब्राइट स्टूडेंट. मतलब भाई साहब इतनी ब्राइट स्टूडेंट. लाइक देखो 10th स्टैंडर्ड में तो ठीक ही स्कोर था मेरा, मैंने मतलब एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ कर दी. तो 10th में आई स्कोर अराउंड 87% गुजरात बोर्ड, ठीक है. और फिर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि मुझे साइंस लेना एंड एवरीथिंग. तो दे वर लाइक कि फालतू में क्यों स्ट्रेस ले रही है, कॉमर्स ले लेना एवरीथिंग. आई थिंक नहीं 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 मैं करूँगी एंड एवरीथिंग. तो दे वॉज लाइक कि ठीक है अगर तेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, इफ वी सी यू क्राइंग इन यू नो साइंस स्ट्रीम हम तुझे वापस बुला लेंगे, ठीक है. तो आई वॉज लाइक फट के हाथ में आ गई, नहीं अब तो करना पड़ेगा, अब तो करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं आई एम केपेबल ऑफ दिस एंड एवरीथिंग. तो ये फोटो तब की है जब 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने के बाद देर वॉज दिस एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल एंड दे वर गिविंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड अवार्ड. आई वॉज गिवन स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड बिकॉज आई स्कोर्ड लाइक 100 out of 100 इन मैथ्स. मतलब आई एम अ वेरी ब्राइट, लाइक आई डोंट नो वेदर आई एम स्टिल गुड एट मैथ्स बट आई यूज टू बी रियली गुड एट मैथ्स. आई लव मैथ्स. तो बिकॉज
ठीक है, उसके बाद मैं उधर उधर नहीं जाऊंगी. देर इज अनदर स्टोरी आफ्टर मैथ्स, बट दिस वॉज अ पिक्चर जहाँ पे आई मेड माई पेरेंट्स रियली प्राउड एंड दे वर रियली हैप्पी बिकॉज उन्हें भी स्टेज पे जाके जाने का मौका मिला इन फ्रंट ऑफ 500 to 600 पीपल एंड दे वर लाइक सो प्राउड कि मेरी बेटी का स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया है. एंड फिर मैंने उस वो सारी प्राउड को डुबा दिया व्हेन आई टुक इंजीनियरिंग. बट दैट इज अनदर स्टोरी, नॉट नाउ. इंजीनियरिंग यार गलती हो गई, बट मुद्दा ये है कि दैट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड माई पेरेंट्स लाइफ बिकॉज दे वर लाइक कि टेंथ में गड़बड़ करने के बाद भी शी मेड अस प्राउड एंड एवरीथिंग. तो उस दिन का फोटो है जहाँ पे आई वॉज वेयरिंग अ वेरी गुड वेरी नाइस ड्रेस एंड मेरी मॉम भी ऐसे मस्त तैयार होके आई थी बिकॉज शी वॉज लाइक स्टेज पे जाने को मिलेगा. And she is a performer, man. She likes to be in spotlight and everything. So she was very excited. So us din ka photo, it's a very, very, very lovely picture. Okay. And yeah, there are so many photos. Okay. Oh yes. Can you see this? Like upar ekdam nahi dikh payega. Theek hai. I'll attach a screenshot of that picture. So that was taken. अराउंड लाइक बिफोर अ ईयर, ये 2021 चल रहा है, तो उससे पहले मैंने मेरा यूट्यूब चैनल मतलब मैंने बहुत पहले बना के रखा था व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू टॉक पीपल यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन यू डू चप्पड़ चप्पड़ ना पीपल लाइक लिसनिंग टू यू एंड एवरीथिंग तो यू शुड गो इन रेडियो एंड यू शुड बी लाइक डूइंग समथिंग लाइक दिस. लाइक अभी मैं ये प्रोफेशनली नहीं करे, आई माइट डू इट इन द फ्यूचर, आई एम नॉट श्योर. ओके, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना. इफ यू सब्सक्राइब आई माइट कंटिन्यू डूइंग सो आई डोंट आई नीड मोटिवेशनल लाइफ. लेकिन अभी आई एम डूइंग MBA. अगेन गोइंग ऑफ ट्रैक. ऑन ट्रैक इज कि ये मैंने एक साल पहले लिया था स्क्रीनशॉट जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था, कुछ जेन्युइन यूट्यूब वीडियो. उसके पहले मैंने कुछ भी तो अपलोड किया था, कुछ भी कर रही थी, चैनल कब से था. तो दैट इज लाइक that shows, that signifies ki why you are doing something. So the thing is ki maine YouTube channel chalu kiya tha because I enjoy doing so, but by the time passes you don't continue doing so for the right reasons. Okay, तो अभी मुझे काफ़ी बार वो ऑफ ट्रैक फील होता है बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, बट नाउ आई थिंक सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए एंड एवरीथिंग. तो दैट इज द फोटो ऑफ इंसेप्शन कि दैट शोज कि तुम जो कर रहे हो दैट इज फॉर द राइट रीजंस. तुमने वो चालू क्यों किया, तुम्हारा वो पर्पज क्या था उस चीज करने का, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. बिकॉज इफ यू आर डूइंग फॉर एक्सटर्नल रीजंस कि ये चाहिए वो चाहिए मुझे वो कमेंट्स चाहिए और समथिंग लाइक दैट, तो दैट मीन्स यू आर तुम्हारा मोटिवेशन एंड तुम्हारा जो भी चीज़ है दैट डिपेंड्स ऑन समवन और समथिंग एल्स. और ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब यू शुड डू इट बिकॉज यू लाइक इट और मे बी यू एन्जॉय डूइंग सो. सो दैट इज ऑलवेज बिन द रीजन फॉर मी टू डूइंग दिस. बट मैं काफ़ी ऑफ ट्रैक, इट्स बिन 1.5 ईयर सिंस आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट एंड एवरी थिंग. तो और मतलब बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स एंड आई डोंट थिंक कि इवन 1.5 साल कॉन्टेंट ही बनाया मैंने. मतलब काफ़ी मैंने अभी रिसेंटली वापस स्टार्ट किया. आई वॉज लिटरली इनएक्टिव फॉर 6 to 7 months इन मिडल. बट मुद्दा ये है कि यू शुड नेवर फॉरगेट द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग बिकॉज अगर कुछ भी होता है तो दैट शुड बी द थिंग दैट मोटिवेट्स यू, नॉट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड नॉट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड नॉट द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेजेस यू फॉर डूइंग दैट. सो उसके लिए वो रखा है इट शोज द इंसेप्शन एंड इट शोज द ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ. तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे. भाई 16 मिनट्स ऑलरेडी और उससे पहले भी 5 मिनट का. ओह माय गॉड, इट्स बीन 20 मिनट्स. नेवर माइंड. तो अभी मेरे पास बहुत स्टोरीज है एंड दैट स्टोरीज हैज ऑल्सो सो मेनी स्टोरीज. बट ये वीडियो का पर्पज ये था कि आई रियली लाइक हैविंग अ कॉर्नर जहाँ पे ये सारे पिक्चर्स है दैट कीप्स रिमाइंडिंग मी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस वजह से कर रहे हो, व्हाट आर योर वैल्यूज इन लाइफ और तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. लाइक दिस ऑल पिक्चर हैज अ पर्पज एंड अ मैसेज क्योंकि भाई सेल्फ मोटिवेशन की बहुत कमी है जिंदगी में. तो लाइक यू शुड डू समथिंग दैट मेक्स यू कीप गोइंग.
इसके लिए आई ऑलवेज हैव दिस पिक्चर्स अराउंड मी, आई ऑलवेज हैव लाइट्स अराउंड मी. लाइट्स का भी एक अलग सिग्निफिकेंस है. इफ यू वॉच माई यू नो इंस्टाग्राम प्रोफाइल चश्मश खुशी है, सो यू विल नो कि वाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद लाइट्स. तो दिस इज माई क्रिएटिव कॉर्नर फॉर नाउ. अलग अलग स्टोरीज मैं वापस दिखा दूंगी, बट यू कैन सी दिस इज अ बीन बैग. इट वॉज गिफ्टेड बाई अ वेरी गुड फ्रेंड. दिस इज ऑल्सो अ लाइट. दिस वॉज ऑल्सो गिफ्टेड बाई अ वेरी गुड फ्रेंड. इट शोज बी काइंड. दैट इज, ये उल्टा दिख रहा है बट नेवर माइंड. दैट इज द मेजर वैल्यू दैट आई होल्ड इन माई लाइफ. दिस इज ऑल्सो अ मून लैम्प. इट हैज वेरियस कलर्स एंड एवरीथिंग. दिस वॉज ऑल्सो गिफ्टेड बाई अ वेरी गुड फ्रेंड. And my people know that I love lights. So these people keep gifting me lights and everything. अच्छा ये चालू हो गया तो. See, it has various colors. I don't know. See? Okay, and this is also a tripod with ring light. So lights everywhere. So this is my creative corner for you now. I have so many stories to tell. And this is just a blabbering session. And please subscribe and follow me on Instagram maybe. I don't know. See you later. Bye.